ओम हिंदू या वैदिक धर्म का प्रतीक चिन्ह है, जिसका मतलब है सब कुछ और कुछ भी नहीं। संस्कार विहीन मनुष्य पशुता होता है, जो स्वयं धर्म समाज तथा प्रकृति किसी के भी साथ न्याय नहीं कर पाता। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने श्रेष्ठ जीवन की कामना करते हुए 16 संस्कारों की रचना की, जिसे षोडश संस्कार भी कहते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सिमंतोन्यन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। वर्तमान समय में हम आशुरी युग में जी रहे हैं, जिसके प्रभाव से 16 संस्कार मात्र कुछ प्रतिशत ब्राह्मण वर्ग तक ही सिमट कर रह गए हैं। परंतु कुछ एक संस्कार हैं जो जनसाधारण में प्रचलित हैं, जिनमें मुख्य रूप से 15वां संस्कार यानी विवाह संस्कार बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। हिंदू धर्म का प्रारंभ होता है अध्यात्म से, और अध्यात्म का प्रारंभ विज्ञान के सीमांत से, अर्थात जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहाँ से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। विज्ञान के द्वारा अध्यात्म को समझना सुनार की चिमटी से हाथी को पकड़ने जैसी चेष्टा है। विज्ञान जहाँ मात्र भौतिकता में ही सिमट कर रह जाता है, वहीं अध्यात्म भौतिकता से आगे का ज्ञान है। भौतिक उपलब्धियां अध्यात्म में नगण्य होती हैं। और यहीं से हिंदू धर्म का प्रारंभ होता है। इसीलिए विवाह से पूर्व वर वधु की कुंडलियां मिलाकर उनके गुण दोषों का विवेचन उनके जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात आगे के कार्यक्रमों का समय निर्धारित होता है, जिसे मुहूर्त कहते हैं। कुंडली का मिलान जो है राशि के नाम से या जन्मांक चक्र के आधार पर जो है दोनों का मिलान किया जाता था। उसमें गुण वगैरह देखा जाता था, गुण गण और जो अपना नाड़ी जोनी बैर इत्यादि अपना मिलाया जाता था। और मिलाने के बाद जो है इसको एक विवाह करने की एक रूपरेखा दी जाती थी। हिंदू शास्त्रों में मन को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए मन की तुलना रथ के अश्वों से की गई है। जिस प्रकार रथ का सारथी अश्वों पर नियंत्रण कर लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लक्ष्य की प्राप्ति करता है। हमारा चेतन मन वही कार्य करता है या देखता सुनता तथा समझता है जो अवचेतन मन चाहता है। इसी अवचेतन मन की शुद्धि के लिए कर्म कांडादि की व्यवस्था की गई है। हिंदू धर्म की मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात समस्त ब्रह्मांड ग्रहों नक्षत्रों सूर्य चंद्र पृथ्वी तथा प्रकृति आदि की शक्तियों को स्वीकार करते हुए तथा उनको सम्मान देते हुए उनकी शक्तियों को स्वयं में और अपनी शक्तियों को उन सब में समाहित होने देने की प्रार्थना, इसे ही पूजा कहते हैं। प्रकृति से तारतम्य स्थापित कर उसके साथ चलना ही सुखमय जीवन का स्रोत है, न कि प्रकृति का नाश कर प्रकृति के विपरीत चलते हुए कृत्रिम साधनों से मात्र स्वयं की सुख की कामना करना। देवत्व और असुरत्व में यही तो अंतर है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र हिंदू या वैदिक लोग ही ऐसे हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी प्रकृति तथा समस्त जीवों के साथ अपने कल्याण की कामना करते हैं, क्योंकि वे देववंश हैं। यही तो देवत्व है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त सृष्टि ही हमारा परिवार है। अगर संक्षेप में कहें तो पृथ्वी के साथ तारतम्य बनाकर जीवन जीना देवत्व है
और प्रकृति के विपरीत प्रकृति का नाश करते हुए कृत्रिम साधनों से सुख की कामना करना अशुभत्व है। विवाह का उद्देश्य मंगलमय पवित्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और संतानोत्पत्ति कर पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करना है। स्त्री के गर्भ धारण से पूर्व स्त्री पुरुष के अचेतन मन में जो कुछ भी भावना अनुभव तथा ज्ञान होता है वह बिना कुछ किए अपने आप संतान के अचेतन मन में स्थापित हो जाता है। विवाह में किए गए कर्मकांड विधि नियम मंत्रोच्चार गीत गायन वाद्य वादन आदि अचेतन मन को शुद्ध कर पवित्र बनाते हैं और यही पवित्र अचेतन आने वाली पीढ़ी में जन्म के पूर्व गर्भ में ही स्थापित हो जाती है। वर्तमान समय में हम इन कार्यों और विधियों का महत्व भूल चुके हैं, इसीलिए यह सब हिंदुओं के लिए औचित्य विहीन पाषाण स्वरूप बन गया है। आज एक बहुत बड़ी संख्या के हिंदू हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों को अंधविश्वास और पाखंड मानते हुए इन सब पर होने वाले खर्चों को व्यर्थ व्यय और महत्वहीन समझते हैं और इन सबसे कतराते हैं, उपहास उड़ाते हैं। ये सारी चीजें आसुरी शक्तियों के विजय का प्रतीक है और यह मात्र हिंदू या वैदिक धर्म के लोगों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए अति चिंतादायक विषय है। प्राचीन काल में गुरुकुल सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे एवं मनुष्य समाज के मार्गदर्शक थे। आचार्यों के आदेश सर्वोपरि हुआ करते जिसे ठुकराने का सामर्थ्य राजा में भी नहीं था। यह सत्ता शक्ति की नहीं अपितु विश्वास तथा ज्ञान की थी। गृहस्थों के साथ राजा को भी विश्वास था कि आचार्यों की बात अकारण नहीं होती और यह विश्वास सत्य था। गुरुकुल आचार्यों ऋषियों ब्राह्मणों का निर्णय दूरगामी तथा संपूर्ण सृष्टि के परोपकार के लिए होता था। मनुष्य के वर्ण का निर्धारण गुरुकुल में ही किया जाता तथा वर्णानुसार वेदाध्ययन कराया जाता। इसी अध्ययन काल में आचार्यों द्वारा कुल गुण गोत्रादि का मिलान कर गुप्त रूप से भावी वर वधुओं के जोड़े चुन लिए जाते। केशांत संस्कार उपरांत उनके माता पिता से परामर्श कर उन्हें दाम्पत्य सूत्र से बांध राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता, जहां राजा नौ दंपत्ति को देशाटन पर भेजता था जिसका व्यय राज्य वहन करता था। देशाटन से वापस आने पर वे सबसे पहले गुरुकुल जाकर आचार्यों और कुलपति का आदेश लेकर उन्हें देशाटन से प्राप्त अनुभवों के बारे में बताते। फिर गुरुकुल से आज्ञा मिलने पर वे राज दरबार में राजा के सम्मुख उपस्थित हो यात्रा वृतांत सुनाते। तत्पश्चात राजा उनके उपयुक्त उनके जीवन यापन की व्यवस्था करता। इन सभी प्रक्रियाओं के संपन्न होने पर वे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते। वर्तमान समय में हर एक विषय के अर्थ बदल गए हैं। विवाह का संबंध जहां आध्यात्मिक चेतना और पवित्रता से था वही आज वासनात्मक और आडंबरपूर्ण हो गया। कई ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी वही हो रही। दिखावे के लिए किया गया और चित्तहीन धूमधाम न केवल प्रकृति को प्रदूषित करती है बल्कि शरीर और मन को भी अस्वस्थ करने के साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर बना देती है। बारात के समय होने वाले धूम धड़ाके कान फोड़ू संगीत तथा पटाखों इत्यादि पर ही हजारों लाखों खर्च हो जाते हैं जो मात्र दिखावा भर होते हैं और कुछ भी। छोटी से छोटी शादी में भी कम से कम अगर 100 लोग खाना खाते हैं तो उसमें से भी कम से कम 40 लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है। इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए कई सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। गांव हो या शहर हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शादियों की वजह से ऋणी हुए बैठे हैं, कर्जदार होकर बैठे हैं। फिर इस दिखावे का क्या लाभ। प्राचीन काल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घनघोर जंगलों से होकर जाना पड़ता था। इन जंगलों में लुटेरे और हिंस्र पशु आदि रहते थे जिनसे सुरक्षा के लिए लोग झुंड में चला करते। वर जब विवाह के लिए जाता था
तो उसके साथ वधु पक्ष को उपहार देने के लिए बेशकीमती वस्तुएं ले जाई जाती, जिसकी सुरक्षा के लिए ग्राम नगर के लोग मित्र गुरु संबंधी आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा मार्ग के वन्य जीव दूर रहें, इसके लिए ढोल नगाड़े आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते जिससे वर यात्री या बारात की संज्ञा दी गई। इसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब न वन मार्ग ही है, न हिंस जंतु और न ही लुटेरे, तो बारात का प्रयोजन तो यही समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में जो बारात का जो स्वरूप हुआ है उसे देखते हुए इस परंपरा को समाप्त कर देने में ही फल आएगा, क्योंकि यह न तो प्रकृति के लिए है और न ही धर्म के लिए। यह पूर्ण रूप से आसुरी परंपरा बन चुकी है जिसका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं रहा। प्राचीन काल से भारत पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र रहा है। समस्त विश्व में आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा था और इन शक्तियों का लक्ष्य भारत की देवभूमि होती है। असुर आर्यों में मिश्रित होने की निरंतर चेष्टा करते, किंतु आर्यों की वर्ण निर्धारण की व्यवस्था से बच पाना उनके लिए असंभव था। वर्ण का निर्धारण गुरुकुल के द्वारा किया जाता, इसलिए असुरों ने गुरुकुलों को अपना लक्ष्य बनाया, पर प्रकांड आचार्यों की मंत्र शक्तियों के आगे वे निस्सहाय थे। भारत में प्रवेश करने के लिए उन्होंने दूसरा मार्ग ढूंढा और वो मार्ग बना व्यापार का। उस समय व्यापार का स्वरूप आज की तरह मुद्रा केंद्रित नहीं था। वे अपने देशों की दुर्लभ वस्तुएं भारत लाते और बदले में खाद्यान्न ले जाते, किंतु व्यापार उनका मुख्य लक्ष्य नहीं होता था। उनका लक्ष्य था भारत में प्रवेश हेतु सूत्र ढूंढना, और उन्हें वह सूत्र मिला कलयुग के मध्य में, और वह सूत्र था बहुपत्नी विवाह। हालांकि बहुपत्नी विवाह की प्रथा का आरंभ इसी युग में नहीं हुआ, इस प्रथा का आरंभ प्रथम देवासुर संग्राम के बाद हुआ। देवताओं ने पृथ्वी पर असुरों के बढ़ते वर्चस्व को देखकर राज्य का निर्माण किया और सर्वगुण श्रेष्ठ व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया। कुछ समय पश्चात श्रेष्ठ उत्तराधिकारी की चाह में राज्य की श्रेष्ठ कन्याओं का राजा के साथ विवाह किया जाने लगा, जिनमें स्वर्गलोक की अप्सराएं भी हुआ करती। इस प्रथा को त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने तोड़ा और पुनः एक पत्नी विवाह की मर्यादा बनाई। पर श्री रामचंद्र जी ने असुरों और राक्षसों के राजवंशों का समूल नाश कर विस्तृत आर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो पूर्व में बर्मा, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व में मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम में मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान, इराक तथा तुर्की तक विस्तारित था। श्री रामचंद्र जी ने जिस एक पत्नी विवाह की मर्यादा स्थापित की, वह विशाल विस्तृत नवीन आर्य साम्राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के उद्देश्य से उनके ही काल में भंग करनी पड़ी। राम रावण युद्ध में मात्र असुरों राक्षसों के साम्राज्य भर ही नष्ट हुए थे। बहुत से शक्तिशाली असुर राजा थे जो अपने कुटुंब समेत पश्चिम की ओर भाग गए, जिनका दमन करने के लिए आर्य यूरोप के मुख्य देशों जैसे आप जर्मनी, इटली, ग्रीस, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन और इंग्लैंड तक पहुंच गए और उन देशों में भी अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। अब इतने बड़े साम्राज्य के संचालन के लिए उत्तराधिकारी तथा सैन्यापूर्ति के लिए बहुपत्नी विवाह को पुनः प्रचलित करना पड़ा। यह साम्राज्य लगभग द्वापर युग के महाभारत तक स्थिर रहा। महाभारत युद्ध ने आर्यों को शक्तिहीन कर दिया, क्योंकि ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था और अवसर की ताक में बैठे हुए असुरों ने पुनः अपनी सत्ता का विस्तार आरंभ कर दिया। महाभारत युद्ध छोटे मोटे स्तर पे नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं उसको कि वो विश्व युद्ध ही था। उसमें सारे देश के, जर्मनी के, रसिया के लोग आए थे और
पूरे विश्व के लोग उसमें उस युद्ध में भाग लिया था। द्वापर युग के अंत तक बहुपत्नी विवाह का स्तर गिर चुका था। छोटे राजा बड़े राजा को अपनी कन्या इस उद्देश्य से ब्याहने लगे कि उनकी कन्या से उत्पन्न संतान ही उस राज्य का वारिस हो, जिससे दोनों राज्यों में मैत्री प्रगाढ़ बनी रहे। अब यहाँ पे लालच आ गया। अब लालच की वजह से, या फिर आप उसको भय बोल सकते हैं, लालच या भय की वजह से विवाह संबंध स्थापित किया जाने लगा। कलयुग में यह उद्देश्य और अधिक गिरा। अब अपने राज्य पे राजा की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए कन्यादान किया जाने लगा, जिससे विवाह वासना प्रधान हो गया। अब इसे असुरों की संगत कहें या फिर कलिकाल का, पर राजा पतित होते चले गए। बहुपत्नी विवाह ही वह सूत्र था जो असुरों के हाथ लगा। असुर अपने साम्राज्य की श्रेष्ठ सुंदरियों को उनके बाल्यकाल में ही चुनकर गुरुतर उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित करते। नवयौवन को प्राप्त प्रशिक्षित सुंदरियों को व्यापारियों के साथ भारत के राजाओं को उपहार स्वरूप भेजते। असुर बालाओं का उन्मुक्त आचरण भारतीय राजाओं को सहज ही अपने मोह पास में बांध लेता। ये सुंदरियां राजाओं को अपने यौवन और सुरा के नशे में मदमस्त कर उन्हें राजकार्य से विमुख करके उनके पड़ोसी राज्यों के प्रति उकसाती रहती, तथा राजा के अतिरिक्त मंत्री व सेनापति जैसे वरिष्ठ राजकर्मियों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती और उन्हें निरंतर फूट डालने की चेष्टा करती रहती। हालांकि भारत को तोड़ने की चेष्टा में असुरों को सैकड़ों हजारों साल लग गए, पर अंततः वे सफल हुए। भारतीय राजा आपस में युद्धरत रहे अपनी शक्तियों को नष्ट करने लगे, गुरुकुल उपेक्षित हो गए, जिससे वर्ण निर्धारण की प्रक्रिया बाधित होने लगी। गुरुकुलों की दूरदर्शिता ने परख लिया कि दैवीय सत्ता अब शेष होने को है, अतएव उन्होंने रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए मनुष्य के स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था को स्थिर कर दिया और उसे जाति व्यवस्था में बदल दिया, जो जन्म पर आधारित